नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रीमा प्रसाद। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अब कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है और यही वजह है कि नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आज सीएम राजी अपनी चुनावी यात्रा के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गढ़ में थी और इस दौरान जमकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा, मारबार की अनदेखी का आरोप लगाया और खजाना खाली है का जुमला भी याद दिलाया। इस बीच मारबार के दो जाट नेताओं की नजदीकी भी सियासी हलके में चर्चा का फिलहाल विषय बनी हुई है और सियासी पंडित भी इसके कई मायने निकाल रहे हैं। अब ऐसे में मारबार की राजनीति का रुख क्या रहता है, ये देखना सबके लिए दिलचस्प है। गौरव यात्रा पर निकली सीएम वसुंधरा राजे मारबार में गहलोत फैक्टर को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तय कर रही हैं। सीएम ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में मतदाताओं की नब्ज को डुबोया। गहलोत की जोरदार घेराबंदी करने के लिए बीजेपी ने अपनी योजना में फेरबदल किया है, कैसे इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत की मारवाड़ की राजनीति पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। मारवाड़ के गांधी के नाम से ख्यात गहलोत के मजबूत राजनीतिक कद को चुनौती देने वाला एक भी क्षेत्रीय नेता बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने गौरव यात्रा में सीएम की जोधपुर में प्रस्तावित सभाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हालांकि इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। माना तो ये जा रहा है कि जोधपुर में अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों की एक बड़ी सभा का आयोजन कर गहलोत के घर में ही जोरदार घेराबंदी करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए शाह के साथ चर्चा कर पार्टी संगठन उनकी जोधपुर में प्रस्तावित रैली की तारीख तय करेगा। जोधपुर संभाग का धरातल। जोधपुर संभाग में आते हैं 6 जिले, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर जिला शामिल। संभाग में कुल 33 विधानसभा क्षेत्र। पिछले चुनाव में 30 पर बीजेपी की जीत। मारवाड़ के नजरिए से नागौर की 10 सीटें इसमें और जुड़ जाती हैं। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। केंद्र ने भी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले मारवाड़ में बीजेपी को मिली जोरदार जीत को काफी तवज्जो दी और जीत को बरकरार रखने के लिए क्षेत्र के 3 सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया गया। राज्य सरकार में भी 6 मंत्री मारवाड़ के हैं। पिछले चुनाव में मारवाड़ के जाट, राजपूत, विश्नोई और मेघवाल समाज ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन इस बार राह थोड़ी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश की राजनीति में जहां राजपूत समाज खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, तो पार्टी में जाट समुदाय फिलहाल शांत बैठकर माहौल को भांप रहे हैं। जाट समुदाय एंड वक्त पर एक तरफा मतदान करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं नाराज चल रहे जसवंत बिश्नोई को राज्य मंत्री का दर्जा देकर मुख्यमंत्री ने उनके समुदाय को साधने का प्रयास किया है। बहरहाल गहलोत फैक्टर से निपटने के लिए फिलहाल जोधपुर में गौरव यात्रा टालना और अमित शाह सहित बड़े नेताओं को बुलाकर सभा करने की रणनीति कितनी कामयाब रहेगी, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो वाकई सीएम राजीव बखूबी भापती हैं कि गहलोत के गढ़ में अगर वो चुनावी सभा करने पहुंची हैं, तो वहां के पब्लिक का मूड क्या है और उनके दुखती रख को पकड़ना कैसे है। तो बीजेपी के मिशन 180 के तहत मारवाड़ में राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे दिन सीएम ने सुखाला, देचू, ओसिया और पिपार सिटी में ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। मुख्यमंत्री राज्य का जगह जगह इस दौरान भव्य स्वागत भी देखने को मिला। आगामी विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने की मंशा से गौरव यात्रा पर निकली राज्य ने अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला, साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगातें भी दी हैं पब्लिक को। खास रिपोर्ट आप देखिए। मारवाड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के फेज 2 का आज दूसरा दिन था। कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और AICC संगठन महासचिव अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र मारवाड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जमकर गर्जी। आक्रामक तेवरों के साथ हमलावर राजे ने ओसिया में हुई जनसभा में अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। राजे ने गहलोत के सरकार का कटोरा खाली है वाला जुमला जनसैलाब को याद दिला दिया। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के चलते संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र में विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप लगाया।
कहा सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास जनता का ही पैसा है, सरकारी खजाने की मालिक जनता ही है। विकास के नाम पर कांग्रेस कंगाली का रोना रोती है। जो काम कांग्रेस ना कर सकी उसे भाजपा ने पूरा कर दिखाया है। राज्य ने दावा किया कि मारवाड़ के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। बिजली के अंदर इतनी भारी हमारे ऊपर कर्जा होने के बावजूद भी हम लोगों ने करीबन 26 जीएसएस आपके क्षेत्र के अंदर बनाने का काम किया है। मैं मानती हूँ कि ये सब काम जो किए हैं इसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर गौरव यात्रा निकालने का काम हमने किया है। सीएम राजे ने अपनी सभाओं में रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। महिलाओं और छात्राओं ने सीएम राजे को राखी बांधी। खास बात ये थी कि अन्य वर्गों के साथ साथ मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। सीएम ने अपने संबोधन में जहां शहीद के परिवार से मिलने की बात कही, वहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त किया। अपने संबोधनों में सीएम राजे ने अटल जी को भी याद किया। सभाओं में आए युवाओं को खास तौर पर सीएम राजे ने संबोधित किया और राजस्थान के विकास में सहभागिता के लिए भाजपा के साथ आने की अपील की। ओसिया में सीएम को हल और तलवार भेंट की गई और 180 कमल के फूलों की माला से सीएम का स्वागत किया गया। भाजपा ने इस बार चुनाव में रखा है 180 सीटों का टारगेट। सीएम वसुंधरा राजे ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर तिम्बरी, खेवड़ा, मथानिया, ओसिया, बावड़ी, भोपालगढ़ पेयजल परियोजना और स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय का लोकार्पण भी किया। सीएम ने 499 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण की आम जन को बधाई दी और प्रदेश भर में भाजपा की सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। मुझे याद है भैया बैलाराम जी और सिया साहब और पीपी साहब सब लोग बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि पिछले 5 साल के अंदर और जब कांग्रेस का राज हुआ करता था तो एक काम कराने के लिए कितनी मुसीबत होती थी। हाथ पैर जोड़ना पड़ता था, बार बार चक्कर लगाना पड़ता था और अगर किस्मत अच्छी होती थी तो उन 5 साल में शायद एक काम अपना हो जाता था। अब करोड़ों रुपया का काम, एक दो चार नहीं करोड़ों रुपए के काम बैलाराम जी ने करा के आपके सामने समर्पित आप लोगों को किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में सरकार का खजाना खाली करने वाले जुमले की याद दिलाकर सीएम वसुंधरा राजे ने मारवाड़ में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे अब राजनीतिक बयानबाजी चरम पर पहुंचने की उम्मीद बढ़ चली है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री का गौरव रथ प्रदेश में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी माहौल भी नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो भले ही गहलोत के गढ़ में आज सीएम राजे थे लेकिन तस्वीरों के जरिए अगर आकलन कीजिएगा तो तस्वीरें ठीक वैसी ही थी जैसी उनकी आम जनसभाओं में देखने को हमें मिलती है। इस बीच एक मुलाकात ने सियासी हलके में चर्चा बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी और विधायक हनुमान बेनीवाल के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय इन दिनों बनी है। बीते दिनों सोनाराम पर हुए हमले के बाद जाट समाज ने बाड़मेर में महासभा की थी जिसमें चौधरी और बेनीवाल दोनों ने भाग लिया। इस दौरान सोनाराम ने कहा कि पहले कांग्रेस ने मेरे साथ बदतमीजी की और अब बीजेपी ने भी मुझे निहाल नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज बीजेपी में हूं तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वजह से हूं। सोनाराम चौधरी का ये बयान राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर गया। तो इससे पहले चौधरी के निवास पर भी दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक जानकार इसके कई मायने निकाल रहे हैं। मुझे कांग्रेस बदतमीजी की और बीजेपी ने कोई मैंने घरों न्याल को क्यों नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा मैं वसुंधरा जी के साथ में 3 बार एमपी रहा, 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा, बहुत लोगों को पता नहीं है, और 1 बार मैं 13वीं विधानसभा में साथ रहा। चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। We'll be right back.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम वसुंधरा राजे पहुंची इसहाकिया, सीधे वहीं का रुख करते हैं और फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे लोगों ने उनका स्वागत किया, मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। मंत्री यूनुस खान, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व मंत्री अर्जुन गर्ग, सांसद आर्यन डूडी, पूर्व सांसद जसवंत सिंह ने अगवानी की है यहाँ पे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया। मंत्री यूनुस खान वहाँ पे मौजूद है और ये तस्वीरें वाकई बेहद अपने आप में रोचक है। तो इसहाकिया की ये तस्वीरें लाइव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग सीएम का स्वागत कर रहे हैं। भले ही बीजेपी पे अलग अलग तरीके से आरोप लगते रहे हों कि वो समुदाय विशेष की राजनीति करती रही है, लेकिन इस बीच अगर ऐसी तस्वीरें एक मंच से निकलकर सामने आ रही, वो भी किसी चुनावी मंच से, तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत सारे मायने निकल रहे हैं। अब आप सीएम को सुनिए। मंच पर उपस्थित अरे बस बस मंच पर उपस्थित आप लोग प्लीज बैठ जाओ। सब लोग जो मंच पर उपस्थित हैं, मैं सम्मानित मंच, मेरे इस दाईं तरफ बैठी हुई सब पूरी माताएं बहनें और इधर बैठे हुए सब हमारे बुजुर्गगण और भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि इतनी देर से आप लोगों ने यहां हम सबकी राह देखी और इतने प्यार से और इतनी संख्या में आपने हम सबका स्वागत किया है। आपको बहुत सारा धन्यवाद। आपको इतना ही कह सकती हूं मैं कि ये पिछले दो दिन, क्योंकि ये दूसरे चरण का दूसरा दिन है, और मैं आपको इतना ही कह सकती हूं। अब यहां वाले प्लीज शांत हो जाओ ना, आप लोग थोड़ा बैठ जाओ। मेरी आदत हो गई है, कोई इधर से भागता है तो कोई उधर से भागता है, कोई जिंदाबाद करता है तो कोई मुर्दाबाद करता है, तो कोई चिल्लाता है तो कोई बैठ जाता है। मैंने कहा, मैंने दो दिन के अंदर इतना सब कुछ देखने को मिला है और मजा भी आया है, क्योंकि जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते, अब हम माँ की उम्र में पहुंच गए हैं, तो इसलिए माँ के रूप में जब मैं कभी देखती हूँ तो लगता है कि जैसे स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं वैसे ही बच्चे हैं, और इसलिए सबसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अलग अलग आदतें, अलग अलग मांगे, अलग अलग प्यार और अलग अलग सहयोग और साथ। और मैंने सबको हमेशा यही कहा कि सब 36 से 36 कौम अपने हैं, ये अपना एक परिवार है और इस परिवार के ही लोग, हम तो खाली आपको रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु इस परिवार के लोग जब मन बना लेंगे तब इस परिवार को आगे ले जाने का काम और राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का काम तभी हम कर सकते हैं जब सब लोग हो जाएंगे। अब ये मैं कल कह रही थी, आपने रोड बना लिया तो रोड पे क्या एक ही समाज चलेगा? सब समाज चलते हैं। पानी की टोटी आपने लगा दी तो पानी की टोटी में क्या एक ही समाज पानी पिएगा? सब समाज पानी पिएंगे। जब ये सब हमको मालूम है, आपको मालूम है, तो झगड़ा काहे का?
किस चीज का झगड़ा? मैं इसलिए आज आप लोगों को यही कहने आई हूं कि हमको राजस्थान के अंदर एकजुट सबको बनाने की कोशिश करना है। मुझे ऐसा राजस्थान बनाना है जो पूरे देश के अंदर नंबर एक हो। अभी जयपुर के अंदर एक भामाशाह टेक्नोलॉजी हब बनाया है। आप मालूम नहीं कभी जयपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर जाते हो तो कभी बच्चे लोग जो यहाँ हैं, जवान लोग जो यहाँ हैं, जरा उसको देख के आ जाओ। आपको बाहर विलायत जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहां चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम कहां बैठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे, जाते हैं ना, दुबई जाते हैं, शारजा जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, तो देखा नहीं है दुनिया कहां चली गई है। तो मैं खाली आपसे इतना ही पूछना चाहती हूं कि क्या हम ऐसे ही बैठना चाहते हैं कि और भी आगे बढ़ना चाहते हैं? आप लोग सब तो शारजा जाके नहीं बैठ सकते, आप लोग सब दुबई जाके भी नहीं बैठ सकते, तो क्यों नहीं इस जगह को शारजा, दुबई और विदेश बनाने का काम अपन करें? क्यों नहीं हमारे जवानों को हमारे राजस्थान के अंदर ही ऐसी परिस्थिति बना दे कि उनको फिर बाहर जाने की जरूरत ही ना हो? क्या ये सपना अपन पूरा नहीं कर सकते कि आपको बाहर ही जाना है? बोलो, अपन को यही रहना है ना, और अपने राजस्थान को, अपने इस प्रदेश को एक जो सपना हमने देखना है वैसे बनाया है। हम क्या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसलिए जो सपना देखा आपने है, जो सपना देखा आपने है, वो मेहरबानी करके उसको पूरा करना है। अरे अभी कांग्रेस वालों को बड़ा मजा आ रहा है भाइयों, उन्होंने ये तय कर लिया है कि मुसलमान वोट तो अपना ही है, कहां जाएगा? उस मुसलमान वोट को अपन कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमको छोड़ के जाएगा कहां? मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि ये राजस्थान है, इस राजस्थान में सबके लिए जगह है, और इस राजस्थान के अंदर सबको गले लगा के चलने का एक बड़ा वायदा हमने सब किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम लोग सब राजस्थान की जननी को अपनी समझ के, अगर अपन भारत देश को अपना समझ के मिलके काम करने के लिए लग जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपके रास्ते में अवरोध बनेगी। हम लोग क्या मिलके इन रोड्स को बनाना, बिजली को बनाना, उद्योग लगाना, अपने यहां काम करवाना, महिलाओं को सशक्त कराना, क्या ये काम नहीं कर सकते हैं? और माताएं बहनें, आप में से कितनों को गैस मिला है बताओ? हाथ ऊपर करो जिनको गैस बना है। प्रधानमंत्री का उज्ज्वला जो योजना है उसमें कितने लोगों को गैस मिला है वो हाथ ऊपर करके मेरे को बता दे कि हमको गैस मिला है। करो बताओ मेरे को, कितनों आप में से कितनों को आवास मिला है वो बताओ मेरे को, कितने लोग हैं जिनको आवास मिला है? प्रधानमंत्री आवास, आवास मिला है। मैं ये बताना चाहती हूं आपको कि पूरे राजस्थान में हमारी 33 जिले के अंदर 12 लाख लोगों को मकान मिला है, और इन मकानों गरीब लोगों को, और उनको मिला है जिनको साथ में गैस का भी सिलेंडर मिला है, जिनको शौचालय भी मिला है, और उसके साथ साथ मेरा कार्ड भी मिला है जिसमें भामाशाह योजना, बीमार हो जाते हो तो आपको इलाज के लिए उस कार्ड के अपने ऊपर इलाज करा सकते हो, और फ्री दवाई भी आपको उसी पे मिल जाती। 2 रुपए किलो गेहूं आपको मिल जाता है। ये सब चीजें हैं। और मैंने तो अभी प्रधानमंत्री जी की बड़ी रैली जब करवाई थी तो जो जो लोगों को लाभ मिला था उन सब लोगों को बुलाने का काम किया था। 3 लाख आदमी आए थे जो लोग लाभार्थी थे, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये 3 लाख तो कुछ भी नहीं थे, पूरे प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक नहीं, 5, 5, 6, 6, 8 तक लाभ मिले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये राजस्थान अब आगे बढ़ पड़ा है, और यहां जो मैं आप लोगों से कहने आई हूं, मुझे कितनी खुशी हो रही है आज आप सबको देखते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपको भी विश्वास है कि ये नेतृत्व जो आपके सामने खड़ा है वो प्रेम से आपको जोड़ते हुए, गले से लगाते हुए सबको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। ये आपको
एक चीज और बता दूं, कल राखी है, हम सबके लिए बड़ा त्योहार है, अब चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई के घर पे जाती है और भाई जब राखी बांध लेती है ना तो उसे कुछ ना कुछ देता है ना। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके राखी बांध रहे हैं आज इस भरी सभा में, हर एक की राखी बांधते हुए मैं आपको इतना ही कह रही हूं, मेहरबानी करके मुझे प्यार दो, अपना आशीर्वाद दो और उस राखी के अंदर जो आपको देने की जरूरत है उसमें मेरी मांग तो सिर्फ इतनी है कि एक राजस्थान बनाने की कोशिश करो जिसमें सब 36 के 36 कौम मिलके इस राजस्थान को बनाने का काम करेंगे। क्या हम कोशिश कर सकते हैं? कोशिश करें, मुझे मालूम है कि झगड़े करोगे, लड़ाई करोगे, चाहे मैं कितना भी कहूंगी आप लोग करोगे कहीं ना कहीं तो, परंतु दिल के ऊपर पत्थर रख के कोशिश तो करो कि हम अगर दो झगड़े करने जा रहे थे तो एक ही करेंगे और एक ही करने वाले तो नहीं करेंगे। क्या ये कोशिश कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं ना। मैं चाहिए राजस्थान एक ऐसा राजस्थान जिसमें झगड़े ही ना हो, जिसमें धरने ही ना हो। मैं ये देखती हूं कि हर जाति के कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं धरना फसाद करते रहते, इस जाति में जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे, उस जाति में जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे, इस मजहब में जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे, उस मजहब में जाएंगे तो वहां भी मिल जाएंगे। हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए अगर यही सब चलता जाएगा? इसका फायदा किसी के लिए नहीं है, खाली दोस्ती में, खाली प्यार में, खाली एक साथ चलने में अपने को वो फायदा मिलेगा। और आप लोग कहोगे ये तो बड़ी पागल है, बोलती रहती है, ये पहले भी बोलती थी, अभी भी बोल रही है और आगे भी बोलती जाएगी, क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच में ये प्रेम नहीं होगा तब तक मैं फिर आराम भी नहीं करूंगी। मेरी राखड़ी का वो मैंने जो माना है वो आप मेरे को देंगे कि नहीं देंगे? सब तो नहीं कह रहे हैं देंगे कि नहीं देंगे, हो उधर वाले सब जो ऐसे कही है यहाँ जो इधर से भाग के उधर गए, उधर से भाग के उधर गए, उधर से भाग के इधर गए, इधर से भाग के फिर उधर गए। मैं आप लोग सबको यहाँ से सब दिखाई देता है तो इसीलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि भैया ठीक है नहीं लगता कि हो सकता है, परंतु अपने मन के ऊपर ये बात करने की कोशिश करो क्योंकि राजस्थान तभी बदल सकता है और हम उदाहरण पूरे देश को तभी दे सकते हैं। पूरे देश को उदाहरण देना है माताएं बहनें, आप लोग सबको मैं कह रही हूँ, इसलिए प्यार से हम लोगों को इस रास्ता इस यात्रा के दूसरे चरण पे आप लोगों से मिलते हुए मैं निकल के जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे सिर पे हाथ रख के अपने प्यार और आशीर्वाद मुझे दोगे और हम मेहनत करने को तैयार हैं, परंतु आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे ताकि इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। माताएं बहनें आपको इनको कहने की जरूरत है, नहीं तो ये काम नहीं होगा। और मैं आपको ये विश्वास रानू, मेरे पास खाली दो ही जातियां हैं, एक महिला और एक पुरुष, ये मेरी जाति है। इस जाति को आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे काम किए हैं और मैंने पूछा नहीं है कि कौन सी पार्टी है क्या है। गरीब है तो आपको ये फायदा मिलेगा, उससे ऊपर है तो आपको ये फायदा मिलेगा, सबके लिए कुछ है। बस जुड़ो, चलो और राजस्थान के बारे में सोचते हुए, अपने बारे में सोचते हुए, अगला कदम कहां जा रहा है उसको देखते हुए इस राजस्थान को तरक्की वाला राजस्थान, उन्नत राजस्थान बनाने का काम करो। मुझे विश्वास है कि आप मेरे को ये राखी के एवज में दोगे और इतना ही कहते हुए आप लोगों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी कि आप लोग रुके रहे और इस अंधेरे में, इस रात में अभी 9:30 बजने को आ रहे हैं फिर भी आप लोग रुके और आपने मुझे ये प्यार दिया, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आगे जाऊंगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आम दिन जी से निवेदन करूंगा कि वो सीएम साहिबा को स्मृति करें, आम दिन जी शेख नगर, और अब सीएम साहिबा को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और आप सभी का इस पंडाल के अंदर धन्यवाद प्रकट करते हुए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।